कहते हैं लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स, कौन है टॉप टू में, कौन है बॉटम टू में, तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। भाई, जिस हिसाब से चल रहा है काम, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस मेकर्स एक बार फिर से वही गलत डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे जो कि अक्सर हो चुका है। वेल, चलिए आपको पहले वोटिंग ट्रेंड बता देती हूँ। तो पहले नंबर पे एज यूजुअल बनी हुई है रुबीना दलाय, और यहां पर मैं ये नहीं कह सकती जहां पे रुबीना वहां पर राहुल वैद्य, क्योंकि राहुल वैद्य नॉमिनेटेड है ही नहीं। तो सेकंड नंबर की पोजीशन पर बने हुए हैं आली गोनी, तीसरे नंबर पर हैं अभिनव शुक्ला, और चौथे नंबर पर हैं जैस्मिन भसीन। देखो, भले ही जैस्मिन भसीन कल की वोटिंग से लेकर अभी तक चौथे नंबर पर ही बनी हुई है, वोटिंग उनकी आगे नहीं गई है, जिस तरीके से पूरे हफ्ते देखी गई है शायद से लोगों को उतना पसंद नहीं आया है, जिसकी वजह से उन्हें वोट्स जो है शायद से कम मिल रहे हैं। अब अगर वोटिंग के आधार पर देखा जाए तो जाना चाहिए जैस्मिन भसीन को। आपको मैं बता दूं, बिग बॉस मेकर्स ने बहुत बार ये कोशिश करी है कि ये जो शो है वो राहुल वैद्य वर्सेस रुबीना दिलाय नहीं बल्कि जैस्मिन भसीन वर्सेस रुबीना दिलाय चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उतना जो है वो चीजें नहीं जा पाई, उस लेवल तक नहीं जा पाई। लेकिन अब जो है अगर वोटिंग के आधार पर देखा जाए तो जैस्मिन भसीन बाहर होनी चाहिए, लेकिन अगर वोटिंग प्लस कंटेंट के आधार पर देखा जाए तो अभिनव शुक्ला, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेकर्स जो है अभिनव शुक्ला को ही आउट करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी राहुल महाजन और सोनाली फोगाट के बीच में हो चुका है, क्योंकि सोनाली फोगाट क्लोजिंग वोटिंग के टाइम पर आखिरी में थी, लास्ट सेकेंड थी अर्शी खान, और थर्ड लास्ट थे राहुल महाजन, लेकिन इन तीनों में से राहुल महाजन को एग्जिट दिखा दी गई थी। अब ऐसे में आप लोगों को क्या है लगता, क्या है कहना, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कीप वोटिंग और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करते रहिए ताकि जो है वो सेफ हो जाए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।